तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये बेसिकली ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, पर ये क्या है कि ये यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि कौन कैसे यूज होता है, तो भी ये इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोवेव्स। तो जो माइक्रोवेव्स होता है, माइक्रो वेव्स, ये जो होता है वो यूज होता है। भाई कहाँ यूज होता है माइक्रोवेव्स? देखो ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, तो ये रडार वगैरह में यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, बिकॉज इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो ये माइक्रोवेव्स यहाँ यूज होता है। मतलब ये जो है फर्स्ट का अपना फोर्थ मैच कर जाएगा, तो ए का फोर्थ है, मतलब ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता। अल्ट्रा वायलेट रेज, तो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, यूवी रेज अगर आप थोड़ा सा यूजेज वगैरह पढ़े होगे, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो यूज होती है लेसिक, ठीक है, लेसिक आई सर्जरी, तो आई सर्जरी में यूज होती है। और ये जो होता है वो यूवी लेजर यूज होता है, यूवी लेजर होता है आई बॉल को ठीक करने के लिए, मायोपिया वगैरह ठीक करने के लिए। तो अल्ट्रा वायलेट रे का मतलब ये ऑप्शन थर्ड मैच कर गया। मतलब कुल मिला के ए का थर्ड, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इस कुछ और मतलब सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फ्रा रेड रे, तो अगर आप इन्फ्रा रेड रे की बात करोगे, इन्फ्रा रेड रेज, तो इन्फ्रा रेड रेज की बात करोगे आप, तो यहाँ से तुम देखोगे इन्फ्रा रेड, तो वो है पेन रिलीफ, पेन रिलीफ, तो पेन रिलीफ में यूज होता है, ठीक है, इन्फ्रा रेड। टिश्यू रिपेयर में यूज होता है, टिश्यू, टिश्यू रिपेयर, ठीक है ना। तो ये लोग डॉक्टर लोग यूज करते हैं यूजेज में। कुल मिला के इसको हम बोलते हैं फिजियोथेरापी, फिजियो, फिजियोथेरापी, तो इसको हम फिजियोथेरापी बोलते हैं। तो यहाँ से तुम देखोगे तो जो इन्फ्रा रेड रे है वो फिजियोथेरापी में यूज होता है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और एक्सरे जो है, एक्सरे, एक्सरे देखोगे तो वो भाई एक्सरे जो होती है वो रेडियोथेरापी में यूज होती है, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है ना, किल द कैंसर, किल द कैंसर से, किल द कैंसर सेल्स को, कैंसर सेल्स को किल करने में यूज होती है, ठीक है। और श्रिंक द ट्यूमर, मतलब जो भी ट्यूमर्स होता है उसको श्रिंक करने में यूज होती है, श्रिंक द ट्यूमर्स, कुल मिला के इसको बोलते हैं रेडियोथेरापी। तो ये रेडियोथेरापी क्या प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, इसका मतलब ये हुआ डी का सेकेंड मैच किया, तो डी का सेकेंड मैच किया। कुल मिला के अपना फोर्थ ऑप्शन सही है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।